दुनिया के सबसे अमीर लोगों के फहरिस्त में शामिल उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंची। दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन करने के बाद दुनिया के मशहूर गंगा आरती भी देखी। उसके बाद उनका काफिला गदौलिया चौराहे पर काशी चाट भंडार की तरफ रुका और वहाँ उन्होंने मशहूर बनारसी टमाटर चाट का आनंद लिया। नीता श्री काशी विश्वनाथ धाम भी पहुंची। यहाँ उन्होंने विधि विधान पूर्वक बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन कर अभिषेक किया। बेटे अनंत और बहू राधिका के विवाह के लिए बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लिया और बाबा के दरबार में निमंत्रण पत्र भेंट कर सनातन मान्यता के अनुसार बाबा विश्वनाथ को अपने घर आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में निमंत्रित किया। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय बनारसी साड़ियों की खरीदारी करते हुए साड़ियों के बनने की प्रक्रिया भी जानी। इस पूरे कार्यक्रम में उनके साथ सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी शामिल थे। नीता अंबानी बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट उतरने के बाद सड़क मार्ग से श्री काशी विश्वनाथ दरबार पहुंची थी, जिन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो आज अभी अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और नमो घाट है और जो सोलर एनर्जी है यहाँ और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर हर महादेव। हाँ, तो यहाँ तो मेरा बहुत काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मैं दर्शन करने आई थी 10 साल पहले, बट मेरा कारीगरों के साथ बहुत सालों से रिश्ता है। मैं अभी इसके बाद गंगा माँ की आरती के बाद वहीं जा रही हूँ सब कारीगरों से मिलने। रिलायंस फाउंडेशन और स्वदेश के मीडियम से हम उस उन्हों लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट और ग्लोबल रिकग्निशन देना चाहते हैं, तो उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। शादी का कोई एक फंक्शन क्या बनारस से आप करने का प्लान करेंगे? हाँ, ज़रूर से मेरे बच्चे अनंत और राधिका के साथ मैं ज़रूर से आऊँगी यहाँ, एक बार शादी हो जाए उसके बाद। और बस मुझे तो ये माँ गंगा और भोलेनाथ बाबा अपने बच्चों पर और सभी भारतीयों पर उनका आशीर्वाद सदा रहे। और हर हर महादेव।